हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई वीडियो और जिसमें मैंने टॉपिक दिया है असम हिस्ट्री एमसीक्यू। यहाँ पे टोटल 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये है असम हिस्ट्री के पार्ट वन। जैसे कि आपके कमिंग एग्जाम एडीआरई प्लस एनी कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन 2024 के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये वीडियो के एंड में ये क्वेश्चन दिया जाएंगे जिसके आपको आंसर देना है कॉमेंट बॉक्स पर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर वन, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम। ऑप्शंस दिया है पुष्य बर्मन, भास्कर बर्मन, महेंद्र बर्मन एंड सुकापा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सुकापा। सुकापा वाज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम। हियर गिवन इन द ईयर 1215 साउलुंग सुकापा लेफ्ट हिज प्लेस मोंगमाओ। सो सुकापा बिलोंग टू हिज प्लेस दैट इज मोंगमाओ एंड ही लेफ्ट मोंगमाओ इन द ईयर 1215। सो एस्टेब्लिश अहोम किंगडम बाय क्रॉसिंग द पटकाई हिल्स एट द पंगसाओ पास एंड रीच द ब्रह्मपुत्र वैली इन डिसम्बर 1228। सो सुकापा एस्टेब्लिश अहोम किंगडम इन द ईयर दैट इज 1228 एंड ही ऑल्सो एस्टेब्लिश हिज कैपिटल सराइदेव इन 1253 एंड रूल्ड असम फॉर हाउ मेनी ईयर्स दैट इज फॉर 600 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर टू, द बुक डिस्कवरी ऑफ असम वॉज रिटन बाय। ऑप्शंस दिया है मीरा डेका, सतीश चंद्र काकोटी, कौशिक बर्मन एंड भूपेन डेका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज सतीश चंद्र काकोटी। सो सतीश चंद्र काकोटी रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ असम एंड पब्लिश इन द ईयर दैट इज 1958। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम। ऑप्शंस दिया है गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर एंड कमतापुर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जोरहाट। सो इन द ईयर 1794 द अहोम किंग गौरीनाथ सिंह शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम शिवसागर टू जोरहाट। सो बिफोर इट वॉज शिवसागर बट एट प्रेजेंट नाउ इट इज जोरहाट। सो जोरहाट वॉज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम। क्वेश्चन नंबर फोर, हु इंट्रोड्यूस द बुरंजी इन असम। ऑप्शंस दिया है अहोम, कोच, सुटिया, माटक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अहोम। हियर गिवेन द फर्स्ट अहोम किंग जो कि है सुकापा हु केम अलोंग विथ सोल्जर्स एंड किंग्स मैन फ्रॉम अपर बर्मा ऑर्डर द राइटिंग ऑफ बुरंजी एज ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटरी दैट टू प्लेस इन दैट पीरियड। सो Sukapa was the first person to order the writing of Burenzi and he belongs to Ahom king or you can say Ahom kingdom. So Ahom was the first to introduce the Burenzi in Assam. Now the next question, question number 5. Mulla Gabaru died fighting against. ऑप्शन दिया है मुगल्स, तुर्बक, मिर्जुमला, मिर्जा नतन। इसके करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तुर्बक। सो मुला गबरु वॉज ए फीमेल वॉरियर इन द अहोम किंगडम ऑफ असम। सी फाउट टू एवेंज द डेथ ऑफ हर हस्बैंड दैट इज बोरगोहाइन प्रसेनमुंग। उसके पति का नाम क्या था, बोरगोहाइन प्रसेनमुंग एंड डाइट फाइटिंग अगेंस्ट तुर्बक खान। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट वॉज द कैपिटल ऑफ बर्मन डायनेस्टी ऑफ कमारूपा किंगडम। ऑप्शंस दिया है प्रागज्योतिषपुर, गढ़गांव, सराइदेव, रोंगपुर। इसके करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रागज्योतिषपुर। सो प्रागज्योतिषपुर नाउ गुवाहाटी वॉज एन एंशियंट सिटी एंड कैपिटल ऑफ हिंदू किंगडम ऑफ प्रागज्योतिषा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, द कोच कॉइन्स वेयर नोन एज। ऑप्शन दिया है मुद्रा, रुपी, नारायणी, टोका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज नारायणी। कोच कॉइन्स वेयर नोन एज नारायणी। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई नरनारायण, कॉइन्स इशूड फ्रॉम दैट इज 1555 टू 1866। द कॉइन्स वेर बेसिकली डाई स्ट्रक एंड राउंड इन शेप एंड मेड बाई सिल्वर जेनरली बट ओकेजनली मेड इन गोल्ड एंड कंटेन द लेजेंड इन बोथ साइड्स। क्वेश्चन नंबर एट, द शेप ऑफ द कॉइन्स ऑफ अहोम रेन। ऑप्शन दिया है ऑक्टागोनल, स्क्वायर, सर्कुलर, नन ऑफ द एबव। इसके करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टागोनल। तो द शेप ऑफ द कॉइन्स ऑफ अहोम रेन दैट इज ऑक्टागोनल। सो कॉइन्स वॉज अहोम रेन कॉइन्स वॉज इंट्रोड्यूस इन 16th सेंचुरी बाई हुम दैट इज बाई
Suklengmong. Now the question number 9. Who was the earliest king of Pragjyotishpur? Option diya hai Sandhya, Sindhu Rai, Prithu, Mahiranga Danava. Iske correct option hai, that is option number D, Mahiranga Danava. Mahiranga Danava was the earliest king of Pragjyotishpur and the first legendary line of rulers in Pragjyotisha. So the rulers of the Pragjyotishpur are, first one is Mahiranga, second Hatakasura, third Sambasura, fourth Ratnasura, and the last one is Ghatakasura. Question number 10. The history of Assam can be divided into how many eras? Option D, I have 4, 5, 6, 7. So the correct option is, that is option number A, 4 eras. Assam history is divided into 4 eras, that is ancient Assam, medieval Assam, or you can say the modern Assam or the post-colonial era. So these are the eras of the Assam history. Now question number 11. Who was the first king from Assam to perform Ashwamedha Yagna? Option diya hai Pushya Barman, Bhaskar Barman, Mahendra Barman, none of these. So iske correct option hai, that is option number C, Mahendra Barman. Mahendra Barman was the first king from Assam to perform Ashwamedha Yagna. Or you can say Mahendra Barman was the first king of Kamarupa and the son of Ganapati Barman. Or you can say Mahendra Barman was the sixth position king. Okay, Pushya Barman was the first king of Barman dynasty and Bhaskar Barman was the last king of the Barman dynasty, but Mahendra Barman was the sixth king of the Barman dynasty. Question number 12. Who was the founder of Pala dynasty of Kamarupa kingdom? Option diya hai Brahmapala, Rampala, Tyaga Sinha, none of these. Iske correct option hai, that is option number A, Brahmapala. Brahmapala was the founder of the Pala dynasty of the Kamarupa kingdom. Here given, Brahmapala was the first Pala ruler of Kamarupa kingdom. He established a Pala dynasty which ruled the Kamrup kingdom of Assam from 900 to 1100 AD. Brahmapala was in the throne from 900 to 920 AD. So here the rulers of the Pala dynasty, first is Brahmapala, second Ratnapala, Indrapala, Gopala, Harshapala, Dharmapala and Jayapala. So these are the rulers of the Pala dynasty of the Kamarupa kingdom. Question number 13. Who was the first king of Koch dynasty? Option diya hai Silarai, Naranarayan, Bishwa Singha, none of the above. Iske correct answer hai, that is option number C, Bishwa Singha. So Bishwa Singha was the first king of the Koch dynasty and he became king in 16th century. Now question number 14. Which of the Ahom king signed a treaty of Majuli with Koch king Naranarayan? Option diya hai Pramata Singha, Rudra Singha, Sukapa and Sukampa. So iske correct option hai, that is option number D, Sukampa. And the treaty of Majuli was signed in the year, that is 1563. Now question number 15. When did British annex Assam? Option diya hai 1947, 1979, 1826, 1805. So the correct option is option number C, that is 1826. So in the year 1826, British annexed Assam. Question number 16. Which district was separated from Assam and given to Pakistan in 1947? Option diya hai Dhaka, Sylhet, Bengal, Khulna. And the correct option is, that is option number B, Sylhet. So Assam was separated and given to Pakistan in the year 1947 and that place was Sylhet. So Sylhet district was separated from Assam and given to Pakistan in 1947. Question number 17. Who had conferred Gopinath Bordoloi with the title Lokpriya? Option diya hai B K Kakoti, K K Sharma, S K Bhuya, Joyram Das, Daulatram. Iske correct option hai, that is option number D, Jairam Daulatram. So Jairam Daulatram conferred Gopinath Bordoloi with the title Lokpriya. Why? Because Gopinath was the follower of Gandhian principle of non-violence as a political tool. Due to his unselfish dedication towards Assam and its people, Jairam Das Daulatram conferred Gopinath Bordoloi with the title Lokpriya. Question number 18. During whose reign Chinese pilgrim traveler Huan Sang
विजिटेड आसाम। ऑप्शन दिया है भास्कर वर्मन, शिवा सिन्हा, रुद्र सिन्हा, बिश्वा सिन्हा। इसके करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन नंबर ए भास्कर वर्मन। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ भास्कर वर्मन चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएन संग विजिटेड आसाम। भास्कर वर्मा वॉज ए रिनाउंड मोनार्क ऑफ कामरूपा। ही सेंट ह्यूएन संग एस एन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन टू। क्वेश्चन नंबर 19, इन हुईच प्लेस द फाइनल बैटल फाउट बाय अहोम किंग अगेंस्ट द मुगल्स। ऑप्शन दिया है सरायगढ़, इटाकुली, हाजो, कचहरीगढ़। इसके करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन नंबर बी इटाकुली। सो फर्स्ट बैटल वॉज फाउट इन द ईयर 1615 एट भराली एंड द फाइनल बैटल वॉज एट इटाकुली इन 1682 एंड द बैटल ऑफ सरायगढ़ वॉज फाउट इन द ईयर 1671। Now the last question for today's video, question number 20. Sivadol was constructed during the reign of, option diya hai Rudra Singha, Shiva Singha, Nara Narayan, Gadadhar Singha. Iske correct option hai, that is option number B, Shiva Singha. Sivadol was built in the year 1734 by Ambika Kumari, a queen of Shiva Singha. So thank you for watching. सो दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि वीडियो की एंड में आप सभी को एक क्वेश्चन दिया जाएंगे जिसके आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कमेंट करके, ठीक है। सो आज के क्वेश्चन है, इन द फोर्थ सेंचुरी व्हिच डायनेस्टी मार्क द बिगिनिंग ऑफ एंशियंट असम। ऑप्शन दिया है पाला डायनेस्टी, बर्मन डायनेस्टी, मलेच्छा डायनेस्टी, दानवा डायनेस्टी। तो आप सभी को इसके आंसर देना है कमेंट पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना।